सिटी पुलिस ने थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में 5 साल से फरार 10,000 के इनामी तस्कर शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद्र नागदा निवासी बिसलवास बामनिया को 850 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। उक्त कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में कैंट जीरन व सिटी थाना के संयुक्त टीम द्वारा की गई। सिटी पुलिस थाना पर पदस्थ उप निरीक्षक हर्षिता सामलिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिसलवास बामनिया का शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद्र नागदा पैदल पैदल बिसलवास बामनिया से कानाखेड़ा की तरफ किसी व्यक्ति को अफीम देने जा रहा है, जिसके हाथ में एक काला थैला है जिसमें अफीम रखी हुई है। पुलिस ने बिसलवास बामनिया कानाखेड़ा रोड पर नाकाबंदी की और जैसे ही मुखबिर द्वारा बताया गया व्यक्ति आता दिखाई दिया तो उसे घेराबंदी कर पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके थैले में से 850 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में अफीम के साथ पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शिवकरण उर्फ बंटी पिता रमेश चंद्र बताया। पुलिस ने अफीम जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के विरुद्ध कैंट थाने में प्रकरण भी दर्ज है, जिसमें पुलिस आरोपी को 5 वर्षों से तलाश कर रही थी तथा उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। देखिए, बिसलवास बामनिया का शिवकरण और बंटी पिता रमेश चंद्र पिछले 5 वर्षों से एनडीपीएस के प्रकरण में फरार था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी और सूचना के ऊपर जीरन टीआई योगेंद्र सिसोदिया, नीमच कैंट टीआई अजय सारवान और सिटी टीआई करनी सिंह सत्तावत और उप निरीक्षक हर्षिता द्वारा ये सराहनीय कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसमें इस 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। साथ ही इसके पास से 850 ग्राम अफीम भी बरामद की गई है। एक एनडीपीएस का प्रकरण इसके विरुद्ध बनाया गया है जिसमें की कार्रवाई जारी है और जो पुराना प्रकरण है उसमें भी खोलकर उसको भी पूछताछ की जा रही है और इसके खिलाफ जो है ये सख्त कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में जो है इस तरह के और अपराधों में संलिप्त ना हो पाए। सर, 5 साल से फरार था आरोपी, क्या कुछ बताया इसने, कहां इसका डेरा डाल रहा था? अभी उससे पूछताछ चल रही है, ये टीम बनाकर उससे पूछताछ कर रहे हैं कि उसने फरारी अवधि कहाँ कहाँ काटी है। जिसने भी इसको फरारी में काटने में और फरार रहने में मदद की होगी, पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश आए हैं कि उसमें 212 हमारी जो भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई होती है कि घोषित अपराधी को शरण देना, उसमें कार्रवाई की जाएगी।